हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बच्चों का फेवरेट केक। आज हम केक सिर्फ 20 रुपये के बिस्किट से बनाएंगे और केक बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल बेकरी में जैसे केक मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टाइगर क्रंच बिस्किट के पैकेट लिए हैं और ये चॉकलेट वाले बिस्किट हैं। आप इसकी जगह कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। और इस बिस्किट को हम आज केक बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले हम बिस्किट को बाउल में निकाल लेंगे। तो दोनों पैकेट मैंने यहाँ पे बाउल में निकाल लिए हैं। तो इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए हम यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और सारे बिस्किट हम इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। बिस्किट हमारे ग्राइंड हो चुके हैं तो इनको अब हम बाउल में निकाल लेंगे। तो इसमें अब हम 2 से 2.5 चम्मच रिफाइंड घी डाल देंगे। घी डालने से हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पे मैंने नेस्ले का कंडेंस मिल्क लिया है तो 2 चम्मच मैं इसके इसमें डाल दूँगी। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पर कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है। तो दूध को मैंने हल्का सा पहले गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। अगर हम ठंडा दूध डालेंगे तो जो हमारा केक है थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा गुनगुना करके ही इसमें डालें। इस तरह से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो बस इस तरह से हम इसको मिलाते जाएँगे और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध इसमें डालते जाएँगे। एक साथ हम दूध इसमें नहीं डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो आप देख सकते हैं केक के लिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। जिस तरह का हमें बैटर चाहिए था ये उस तरह का ही बैटर बन चुका है। तो बैटर को हम 3 से 4 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने केक का बैटर बनाने के लिए 1 कप दूध का यूज़ किया है। 1 कप दूध में से थोड़ा सा दूध बच चुका है और बाकी का दूध हमने बैटर में डाल दिया है। तो यहाँ पे हम इनो ले लेंगे और इनो का 1 चम्मच हम निकाल लेंगे और केक के बैटर में डाल देंगे। अगर आप बिस्किट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप 1.5 चम्मच भी इनो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 पैकेट बिस्किट के यूज़ किए हैं इसलिए मैं 1 चम्मच इनो का इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम इनो डालने के बाद इसको एक बार मिला लेंगे। तो केक बनाने के लिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम यहाँ पे कोई भी इस तरह का गोल या चौरस बर्तन ले लेंगे और बर्तन को हम सबसे पहले घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो नीचे ना चिपके और जो हमारा केक है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। तो इस तरह से हम इसको घी के साथ ग्रीस करेंगे। घी के साथ ग्रीस करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और मैदे को हम चारों साइड पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम मैदा फैला देंगे और बाकी का जो मैदा इसमें बचेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो इसमें हमने जो बैटर तैयार किया है उसको डाल देंगे। और इसको अब हम हल्का सा टैप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और पैन में मैंने यहाँ पे 1 कटोरी नमक डाल दिया था और मैंने इसको पहले से ही प्री हीट कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको
5 से 7 मिनट तक प्री हीट की है। तो यहाँ पे हम इस तरह का कोई भी स्टैंड ले लेंगे, आपके पास घर में जो भी स्टैंड अवेलेबल है तो आप इसमें रख सकते हैं, नहीं तो आप इसके नीचे कटोरी भी रख सकते हैं। स्टैंड रखने के बाद यहाँ पे हम इसके बीच एक प्लेट रख देंगे, और प्लेट रखने के बाद जिस बर्तन में हमने केक का बैटर डाला उसको रख देंगे, और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद इसको हम 10 मिनट तक पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, हमारा केक हल्का सा फूलना शुरू हो चुका है। तो इसके ऊपर अब हम कट किए हुए थोड़े से बादाम और काजू डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, नहीं तो आप काजू और बादाम स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आप केक बना सकते हैं। काजू और बादाम डालने के बाद इसको हम एक बार फिर से कवर कर देंगे, और कवर करके इसको हम 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पकने देंगे। तो 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक टूथपिक ले लेंगे, और टूथपिक के साथ हम चेक करेंगे केक अंदर से पका या नहीं। तो आप देख सकते हैं टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब केक अंदर से पक चुका है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे। तो केक को हम निकालने के बाद इसकी हम साइडें छुड़ा लेंगे। साइड छुड़ाने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के बाद ही प्लेट में निकालेंगे। अगर हम ठंडा केक इसमें से निकाल लेंगे तो होता क्या है, कई बार हमारा केक जो है वो टूट भी सकता है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, और केक को हम इसके ऊपर निकाल देंगे। तो इसको हम हल्का सा टैप कर लेंगे, इस तरह से करने से हमारा जो केक है वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा केक बिल्कुल आसानी से निकल चुका है, और ये नीचे से भी बहुत ही अच्छा बना है। तो एक प्लेट और ले लेंगे, तो इसको अब हम सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है, ये जितना सुंदर बना है ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। आप भी इसको इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो इसकी हम साइड भी चेक करेंगे, और ये साइड से भी बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। आप भी इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।